अस्सलाम वालेकुम जी, आज मैं आपको सिखा रही हूँ लाहौरी चिकन कढ़ाई। तो लाहौरी चिकन कढ़ाई में जिन चीज़ों की ज़रूरत होती है वो मैं आपको बताती हूँ ना। इसमें जी हमें चाहिए चिकन है मेरा 1200 ग्राम का ये चिकन है। इसके अंदर मेरा ये जो है टमाटो है, ये आपने 1.5 किलो है, 1.5 kg है इसके अंदर टमाटो जो टमाटोज है। और इसमें मेरे पास ऑयल है, हमें ऑयल चाहिए। और हरी मिर्चें हैं आपके पास, ग्रीन चिल्ली हैं 4 हैं। और जूलियन कटिंग में मैंने इसको जिंजर को काट लिया है, ये है। बाद में गार्निश में डालेंगे, थोड़ी सी उसमें ऐड करेंगे। और इसमें कोरिएंडर है हमारे पास, एक बंच ले लें कोरिएंडर का छोटा। और ये इसमें हमारे पास गार्लिक है और इसमें जिंजर है, 1 tablespoon गार्लिक, 1 tablespoon जिंजर। और 2 स्मॉल साइज़ की हमने प्याज ली हैं, उनको मैंने ऐसे इस तरीके से काट लिया है, ठीक है। 2 ओनियन है इसमें स्मॉल साइज़। और जी 1 tablespoon हीप फुल भर के हमने क्रश चिली ली है, इसमें कुटी हुई मिर्चें हैं। और सॉल्ट मैंने अपनी मर्ज़ी के, मतलब अपने उस पर लिया है, आप अपना देख के चेक करके डालिएगा। मैंने 1 teaspoon लिया है, आप अपनी मर्ज़ी से देख के डालिएगा अपना सॉल्ट। और इसमें ज़ीरा पाउडर है, ज़ीरा है, क्यूमन सीड्स हैं, 1 teaspoon ही फुल भर के इसमें क्यूमन सीड है, इसमें चली जाएंगी। गरम मसाला मेरा इसमें होममेड है, इसमें 1/2 teaspoon है। और इसमें टर्मरिक पाउडर है 1/2 teaspoon। तो शुरू करते हैं। और जिसमें योगर्ट है, योगर्ट मैंने लिया है 4 tablespoon भर के ना, योगर्ट है बनाते हैं। 3 serving spoon आप इसमें ऑयल डाल दें, 3 serving spoon ऑयल हो गया। अब हमने जो हमारी प्याज कटी हुई है, ऑनियन कटी हुई है, 2 medium size small size ऑनियन जो है हमारी, 2 प्याजें कटी हुई है, ये डाल देनी है। हर कढ़ाई डिफरेंट उससे बनती है, ये लाहौर के अंदर जो बनाई जाती है हमारे, वो ये वो रेसिपी है जो मैं आपको बता रही हूँ। बाकी हमें प्याज किसी में डलती है किसी में नहीं डलती है, लेकिन इसमें आप प्याज डाल के बनाइएगा तो आपको ग्रेवी फील होगी ना, और ये जो प्याज है आपकी सॉफ्ट हो जाएगी, और थोड़ी सी है तो इतना ज़्यादा मसाला वो नहीं होगा, मतलब आपको मसाला फील होगा इसमें ना। अब इसके अंदर ये 1 teaspoon हमारा गार्लिक है भर के, और 1 tablespoon दोनों चीज़ें हैं, गार्लिक 1 tablespoon, 1 tablespoon इसमें जिंजर है। तो कोई भी आपको प्रॉब्लम अगर हो रही है तो मेरी वेबसाइट पे आकर मुझे बताएं कि इसमें ये प्रॉब्लम है, हमें समझ नहीं आई कुछ भी, जो भी प्रॉब्लम है आप मेरी वेबसाइट चेक करें, उसमें आकर मुझे बताएं। ज़रा सा 2 मिनट इसको सौते करेंगे, इसको ब्राउन नहीं करना, कुछ नहीं करना, बस 2 मिनट सौते करना है। 2 मिनट सौते करने के बाद हम इसके अंदर अपना चिकन ऐड कर देंगे, कि जो आपकी गार्लिक की कच्चापन की स्मेल है ना, वो इसमें से निकल जाए स्मेल। सिर्फ ओनली 2 मिनट इसको ओनली हम फ्राई करेंगे। आफ्टर फ्राई आप इसमें चिकन डालें, ऐड करें। जो है आप चिकन फ्राई करें और 5 मिनट जब कलर चेंज हो जाए तो फिर आप इसमें बाकी स्पाइसेस डालते हैं हम अपने। ये देखें अब मेरा आफ्टर 5 मिनट्स के बाद इसका कलर जो है ना वो डिफरेंट हो गया, चेंज हो गया, गोल्डन कलर हो गया इसका। अब आप ऐड करें इसमें स्पाइसेस अपने, क्यूमन सीड, सॉल्ट है, चिल्ली है, टर्मरिक पाउडर है और गर्म मसाला है होममेड, ये सब चीज़ें इसमें चली हैं। फ्राई करें ताकि जो रेड चिल्ली है उसकी स्पाइसी की सबकी खुशबू आपको इसमें मसाले में हो जाए। 2 मिनट को सौते करते हैं, फ्राई करते हैं।
अब हमारे जो टमाटोज हैं मेरे कटे हुए हैं, ये मैंने बताया आपको हाफ वन के जी, वन एंड हाफ के जी इसमें मेरे टमाटोज चले जाएंगे। मेरे पीस टमाटोज हैं, इनका मैंने छिलका जो है सबका उतार लिया है। छिलका उतारने के बाद मैंने इनको काट के इसमें डाल दिया। इसको मिक्स करते हैं अच्छी तरीके से। अब मिक्स करने के बाद मैं इसको 10 मिनट्स के लिए, आप इसको लो फ्लेम पे, मीडियम फ्लेम पे, कि अब ये देखने आपकी लगे नहीं इतनी इसकी आँच हो चूल्हे की, कि ये जो मसाला है आपका लगे नहीं, मीडियम उस पर रखें कि टमाटर पानी छोड़ेगा, चिकन पानी छोड़ेगा, तो उसमें ये जो है ना कुक हो जाएगा। 80% इसको हम इसमें कुक करते हैं। जब ये 80% कुक हो जाएगा तो मैं आपको दिखाती हूँ आगे क्या करना है। ये देखें हमारा चिकन, अब देखते हैं कैसा होगा। चिकन हमारा जो है ना कुक हो गया है 20 मिनट्स में, डन है ये तो 80% ना। अब हम इसके अंदर इसका पानी खुश्क करते हैं, इसकी जो ग्रेवी है ये मैं खुश्क करती हूँ। ये उसी पानी में देखें आप इतना ज़्यादा ना ये वो हो गया कि 20 मिनट तक मीडियम लो पे आंच पे उसको पकता रहा है, तब भी इसमें इतना ग्रेवी है। तो अब जो है इसका हम वो करते हैं, पानी खुश्क करते हैं। ये देखें इसका पानी जितना भी था हमने खुश कर लिया है ना, हो गया है चिकन का ना ग्रेवी का। अब मेरे पास जो योगर्ट था इसके ऊपर मैं, आप फोक से इसको ना बीट कर लीजिएगा, वरना क्या होता है बाज़े लोगों को कोई कंप्लेन होती है कि उनके अगर वो ऐसे ही दही डाल देते हैं तो दाना दाना आ जाता है ना इसमें ग्रेवी में, तो दाने से अच्छा ये है कि आप, वैसे तो आना नहीं चाहिए कोई ऐसा वो मसला नहीं है, नहीं आता बाज़े में, बाज़े लोगों का आ जाता है। तो आप ऐसा करें कि इसको अच्छी तरीके से बीट कर लें आप फोक से, किसी बीटर से योगर्ट को ना, ताकि आपके लम्स उसमें दाना नहीं बनेगा। बीट करने के बाद हम जो हमारा दही है वो सारा इसमें डाल देते हैं। अब इसको भूनना है, दही के अंदर ही इसको भूनना है चिकन को ना। कर लिया है उसका पानी, दही का पानी जितना भी है उसमें खुश करते हैं। हाँ जी देखें हमारा जो मसाला है रेडी हो गया। हम इसमें अपनी हरी मिर्चें, 3 मैंने हरी मिर्चें डाल दी है, थोड़ा सा हरा धनिया डाल दें, बाकी गार्निश में डालेंगे। थोड़ा सा अपने जूलियन जो कटिंग में इसको अदरक को काटा हुआ है ये डाल दें, इसको मिक्स कर देते हैं और 5 मिनट के लिए इसको छोड़ते हैं स्टीम पे, 4-5 मिनट के लिए, ताकि जो आपने इसमें जिंजर और कोरिएंडर और हरी मिर्चें वगैरह डाली हैं आपने ग्रीन चिली, इसके टेस्ट 5 मिनट्स के लिए इसको स्टीम पे छोड़ते हैं। आफ्टर 5 मिनट बाद इसको हम अपना ओवन को बंद करके फिर गार्निश करके दिखाते हैं। जी देखें हमारी रेडी है, मैंने गार्निश कर लिए इसे हरी मिर्चें, ये हरी मिर्च के साथ कोरिएंडर, ग्रीन चिल्ली और ये इसके साथ हमने गार्निश कर लिया है इसके ऊपर जिंजर के साथ। तो अब आप इसको ज़रूर अदरक के साथ भी मैंने ऊपर डाल दिए, तो ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे इसका फीडबैक दीजिएगा कि आपको रेसिपी कैसी लगी है, लाइक कीजिएगा और जो भी आपको अच्छा लगे, जो प्रॉब्लम हो तो वो भी आप मुझे बताइएगा। और थैंक दुआओं में जी याद रखिएगा। थैंक यू वॉचिंग द वीडियो।